हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन राणा प्रमोशन इंटरनेशनल। उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है, जैसे आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, सिंगापुर का ट्रेनिंग वर्क परमिट। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है, जो भी एप्लीकेंट जिसका आईएलटीएस में प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं बोल पाता है, एज ज़्यादा है, स्टडी में गैप बहुत ज़्यादा है, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, जिससे कि उसको एजुकेशन भी हो जाती है, ट्रेनिंग भी हो जाती है और वर्क परमिट भी होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको एक लाइन मिल जाती है। आजकल के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों में स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है, स्किल्ड वर्कर या स्किल किसी के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं भी देश विदेश में कहीं भी प्रॉपरली जॉब उसको नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि हमें बहुत कॉल्स आती हैं, सर सिंगापुर का कुछ लेके आइए ऐसा, जिससे कि कुछ बेनिफिट हो सके। अब मैं आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस, ऐसे कुछ कोर्सेज और ऐसे कुछ ऑप्शंस बताता हूँ, जिससे कि आप पैसा भी अर्न कर पाएंगे और आपको एक लाइन भी मिल जाएगी, आपको एक एजुकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास इसमें क्या रहता है। 6 मंथ स्टडी रहती है, 6 मंथ ट्रेनिंग वर्क परमिट रहता है। स्टार्टिंग के 6 महीने आपने 2 से 3 घंटे रोज क्लासेस होती हैं और लास्ट के 6 महीने में फुल टाइम वर्क मिलता है। तो इसका क्या फायदा होता है, एक तो आपको इंटरनेशनल डिप्लोमा मिल गया, इसमें डिप्लोमा भी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं। एजुकेशन आपकी हायर हो जाती है, आपकी इंग्लिश सुधर जाती है, आपने वहां जाना है वहां आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। ठीक है, एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक तो वर्क परमिट मिल रहा है 6 महीने का। 6 महीने का जो वर्क परमिट मिलेगा उसमें जो है आप अपना जितना भी पैसा, जितना भी फीस आपने लगाई होती है वो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाती है। और उसके बाद अगर आप हाथ पैर मारते हैं, जो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं हाथ पैर मार के थोड़ा अपना एस पास और ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इंडिया से 12th pass out है या 10th 12th pass out है, उसको एटलीस्ट 2 साल लगाने पड़ेंगे वहाँ पे, पहले डिप्लोमा फिर एडवांस डिप्लोमा। जो इंडिया में ग्रेजुएट हैं, उसको सिर्फ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करेंगे तो वो एस पास सी पास के लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल हो जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पहले एलिजिबल हो जाएगा उसके बाद वो इंटरव्यू वगैरह देता है। कई बार तो जिस एम्प्लॉयर के पास वो ट्रेनिंग कर रहा होता है 6 महीने की, जैसे होटल्स में कर रहा है या लॉजिस्टिक की किसी कंपनी में कर रहा है, तो वो कंपनियां भी उनको हायर कर लेते हैं अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा वहां से जैसे डायरेक्टली किसी का डायरेक्टली यहाँ से इंडिया से कोई यूके का ऑस्ट्रेलिया का नहीं हो पा रहा है, तो अब वहां से भी वो मूव अप कर सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकता है, यूके मूव कर सकता है, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस आइएगा, हम आपको बता देंगे कौन कौन यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास है, जो वहाँ से आगे मूव होना है, 1 साल वहाँ पे लगाना है, 2 साल वहाँ पे लगाना है और थर्ड ईयर आप वहाँ पे कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कुछ कोर्सेज हैं जो हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले जो मेन कोर्स रहता है वो है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का। ठीक है, उसमें 6 मंथ स्टडी होती है, 6 मंथ ट्रेनिंग वर्क परमिट होता है। और ट्रेनिंग वर्क परमिट में कम से कम सैलरी हम $800 से $1500 तक, मतलब 1500 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो अराउंड 75 के आसपास जो है वो 75,000 के आसपास जो है पर मंथ आपको अर्निंग हो सकती है। कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे भी हैं हमारे जिन्होंने 2200 जो है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग वर्क परमिट जो भी सैलरी ली है, उसको स्टाइपेंड कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। अब हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का दूसरा कोर्स है। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी आईटी से रिलेटेड बेसिक्स थोड़ा होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा काम होता है, लॉजिस्टिक्स के जितने भी काम होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेकिंग से रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज आए हैं। अब जो एप्लीकेंट जिन्होंने कुकिंग और बेकिंग में अपना जो है फ्यूचर बनाना है, क्योंकि कुक्स शेफ और बेकर्स का ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में डिमांड रहती है। ठीक है, और डिमांड बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि होटल्स वगैरह ओपन होते जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप बेकिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो बेकिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ का उसमें कोर्स है और 6 मंथ का उसमें ट्रेनिंग वर्क परमिट है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ कोर्सेज हैं, और भी कोर्सेज अगर आपने करना है तो आप अपने हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। वीज़ा भी इसका ऑलमोस्ट 100% कन्फर्म होता है और एवरी मंथ इनटेक है।
ठीक है, फीस अराउंड इसकी $5,500 से लेके $6,500 तक होती है। कुछ कोर्सेज हमारे 9 महीने स्टडी है, 6 मंथ वर्क परमिट है, वो भी होते हैं। तो उसमें आप लगा के चलिए अप्रोक्सीमेट फीस 7-8 हज़ार के आसपास, डॉलर के आसपास होती है। ठीक है, अगर इसमें आपने अप्लाई करना है, ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिनका आयलेट्स नहीं है और जो इंग्लिश अच्छी तरह नहीं बोल पाते, किसी कारण से उनका किसी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें जितने ही पैसे लगाएगा कोई एप्लीकेंट, वो ऑलमोस्ट उसके सारे रिकवरी भी हो जाएंगे, इंटरनेशनल डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और एस पास ई पास होने के चांसेस भी हैं। अगर एस पास ई पास आपका लग जाता है तो आप सोच के चलिए कम से कम भी $2,500 सैलरी होती है, मीन्स 1,25,000, 1,30,000 सैलरी कम से कम मिलेगी। तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर बाई चांस आपका नंबर पिक नहीं हो पाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे ऑफिस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, पासपोर्ट फोटोग्राफ, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस विजिट करिएगा। ऑफिस में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।